हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑन द सीरीज स्टॉक मार्केट एनालिसिस। पहले वीडियो में हमने बेंजामिन ग्राहम सर के हिसाब से स्टॉक मार्केट को एनालाइज करना सीखा था, जिसमें कि हमने उनके कुछ क्राइटेरियाज को फुलफिल करके देखा था कुछ स्टॉक्स पे जो कि उनके सारे क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहे थे। आज हम देखने वाले हैं वॉरेन बफेट सर के हिसाब से। अब ये वॉरेन बफेट कौन है? तो ये बेंजामिन ग्राहम सर के ही स्टूडेंट है और वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर माने जाते हैं। हम इस वीडियो में मैं एक किस तरीके से ये किस पार्ट्स में बटा हुआ है मैं आपको समझा देता हूँ। पहले पार्ट में हम यहाँ पे इस वीडियो में वॉरेन बफेट सर के बारे में हम जानेंगे कौन है वो, और उनकी कुछ बुक्स के बारे में समझेंगे कि उन्होंने कुछ बुक्स लिखी है या नहीं लिखी है, या फिर हमें उनके बारे में, उनकी फिलोसॉफी के बारे में हमें कहाँ जानने को मिल सकता है। उसके बाद हम चलेंगे उनके क्राइटेरिया की तरफ, जहाँ पे वो, यहाँ पे हमारे पास 16 क्राइटेरिया उन्होंने बताया गया है जो कि उनके बुक्स को, वो उनके फिलोसॉफीज को पढ़ के हमें समझ में आया। कुछ 16 जो फिलोसॉफीज है उनको हम देखेंगे। ये जो फिलोसॉफीज है उनको समझने के लिए हमें कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे एनालाइज करते हैं वो सीखना पड़ेगा हमें, रेशियो एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको लेके चलूंगा हमारी एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट से मैं आपको समझाऊंगा कि रेशियोज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उनका क्या मतलब होता है, और किस तरीके से हम उन रेशियोज को स्क्रीन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट screener.in पे। तो हम देखेंगे कि हमारा, हम जो टूल यूज कर रहे हैं screener.in, इसमें वॉरेन बफेट सर की जितने भी क्राइटेरिया है उनको कैसे फिट करके हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और इन सर्चिंग के बाद लास्ट में हम समझेंगे कि कुछ जो स्टॉक्स ऐसे मैं आपको बताऊंगा जो कि इनके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दो स्मॉल कैप के स्टॉक्स लेके चलूंगा। यहाँ पे दो स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं और फिर एक जो है यहाँ पे मिड कैप का स्टॉक है, और लास्टली मैं आपको एक लार्ज कैप का स्टॉक यहाँ पे लेके चलूंगा जो कि ये वॉरेन बफेट सर के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। ये चार स्टॉक मैं अभी आपको बताऊंगा और लास्ट में हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए, वॉरेन बफेट सर, इनका जन्म 1930 पे हुआ था, और ये आप आज की डेट पे इनका जो नेटवर्थ है उसी से आप देख के समझ जाएंगे कि ये कितने बड़े इन्वेस्टर है। इनका नेटवर्थ है 109.8 बिलियन US डॉलर। अगर आप इसको देखें कि इंडियन टर्म्स में तो मोर देन 7 लाख करोड़ रुपीस का इनका नेटवर्थ। तब सोच सकते हैं कि इन्होंने जो इन्वेस्टिंग का जो करियर है वो इनका कितना फ्लोरिशिंग होगा और कितना ज्यादा इन्होंने मेहनत करी होगी जिसके लिए, जिसकी मदद से वो इतना नेटवर्क क्रिएट कर पाए। तो अब इनकी फिलोसॉफी समझना बहुत ही मजेदार रहेगा, इसीलिए अब हम समझना चालू करते हैं आखिर ये वॉरेन बफेट सर का जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है वो तो आप समझ ही गए होंगे। और ये क्या है कि सीईओ है और प्राइमरी शेयर होल्डर है बर्कशायर हैथवे के, ठीक है? क्योंकि ये क्या है कि ये इन्वॉल्व है, बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है और फिलेंथ्रोपिस्ट है। तो इसके हिसाब से ये, और ये इनकी एक कंपनी है बर्कशायर हाथवे, उस पे ये उनके ये सीईओ है। और ये मैंने जैसे कि आपको बताया बेंजामिन ग्राहम सर के स्टूडेंट रह चुके हैं, और इनके लास्ट लेक्चर था तो इनके बारे में तो आप अब जान ही चुके हैं कि ये कितने बड़े इन्वेस्टर्स थे। उनकी बुक आप द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में आप समझ ही चुके हैं। अब आते हैं हम वॉरेन बफेट की, अगर कोई बुक है क्या जो ये, इन्होंने भी कोई बुक लिखी है क्या जिसके मदद से हम इनकी सारी फिलोसॉफीज को समझ सके, इनके क्या प्रिंसिपल्स है, क्या टेक्निक यूज करते हैं वो समझ सके? तो अभी ऑन डेट वॉरेन बफेट ने ऐसी कोई बुक नहीं लिखी है जहाँ पे वो अपनी सारी प्रिंसिपल्स और फिलोसॉफीज को समझा रहे हो, ये वो सीक्रेट रखना चाहते हैं। तो हमें फिर कैसे पता चलेगा इनके फिलोसॉफीज और सीक्रेट्स के बारे में? तो देखिए क्या होता है कि ये जो जिस कंपनी के सीईओ हैं बर्कशायर हैथवे, तो इनके शेयर होल्डर्स को वो हर साल एक लेटर लिखते हैं। तो लगभग यहाँ पे मैंने कलेक्शन किया है 40 लेटर्स का जहाँ पे वो अपने फिलोसॉफीज को समझाते हैं। तो वो फिलोसॉफीज आपको मिल सकती है, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वॉरेन बफेट फिलोसॉफी फ्रॉम बर्कशायर एनुअल रिपोर्ट। ये 2020 के एनुअल रिपोर्ट्स के साथ साथ यहाँ पे पिछले 40 जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे अटैच्ड है, नीचे आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी, और उसमें उनकी क्या फिलोसॉफीज चलती है वो यहाँ पे डिस्कस किया है मैंने, और ऐसे 28 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। तो 28 जो फिलोसॉफीज है वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जो एक क्रक्स निकल के आता है उनके सारे जितने भी लेटर्स है उससे। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन से लेकर रिलेटेड कोई दो इनकी फिलोसॉफी है, स्टॉक ओनरशिप से रिलेटेड, मार्केट वॉलिटिलिटी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, वैल्यू इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, ग्लोबल इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट,
कंपनी कल्चर और डेट से रिलेटेड। इस तरीके से यहाँ पे हर एक कैटेगरी में या यहाँ पे कुछ फिलोसॉफीज इनकी बताई गई है और उसको फुल कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है। और उन फिलोसॉफीज का जो टोटल आ रहा है यहाँ पे 28 फिलोसॉफीज निकल के आती है जिनको हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जब आप ये फॉलो करेंगे तो काफी आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इससे आपको काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा। ये समझ लो एक बुक पढ़ने जैसा ही है, तो बुक पढ़ने की जगह हम की फिलोसॉफीज उनके एनुअल लेटर्स पे पढ़ेंगे, तो जिसकी जिससे कि हमें इनकी स्ट्रेटेजीज जो रहती है उसके बारे में हमें आइडिया मिल सकता है। और लास्ट में जब आप इसमें देखेंगे ये आर्टिकल जब 28 जब खत्म होता है उसके बाद यहाँ पे लाइन से लिंक्स टू एवरी बर्कशायर हाथवे शेयर होल्डर्स लेटर, यहाँ पे सारे शेयर होल्डर लेटर की यहाँ पे लिंक दी हुई है। आपको अगर और इन डेप्थ स्टडी करना है तो आप इसके अंदर जाके या और इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं वो लेटर्स से। यहाँ पे उसका क्रक्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि 28 क्रक्स यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए, तो ये तो था एक सोर्स जिसके थ्रू हमें पता चल गया कि क्या क्या इनकी फिलोसॉफीज हो सकती है। और अगर हम देखें दूसरा क्या सोर्स है, तो दूसरा सोर्स निकल के आता है बफेटोलॉजी का नाम की एक बुक है। अब ये बफेटोलॉजी जो नाम की बुक है ये इन्होंने नहीं लिखी है, इनकी एक्स डॉटर इन लॉ ने लिखी है। तो घर में आपस में जो डिस्कशन होता था इनका, चाय पीते टाइम जो डिस्कशन होता है, कॉफी पीते टाइम जो डिस्कशन होता है, समझ लो वैसा आप समझ लो। तो वो डिस्कशन से जो इनको सीक्रेट्स, जो फिलोसॉफीज जो समझ में आई, जो स्ट्रेटेजी समझ में आई उनकी एक्स डॉटर इन लॉ को, उन्होंने उसको कंपाइल करके बफेटोलॉजी नाम की एक बुक बनाई और उस पर ये सारी जो सीक्रेट्स थे उसको रिवील करें। तो आप ये बफेटोलॉजी बुक जो परचेज कर सकते हैं, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप परचेज करके आप ये भी बुक पढ़ सकते हैं जिसमें आपको इनकी बारे में सारी जानकारी मिल सही, इनकी क्या स्ट्रेटेजीज है, क्या फिलोसॉफीज है, आपको यहाँ पे पता कर सकते हैं। अब देखिए, अब इनकी जो जो मेनली जो ये फोकस करते हैं वो यहाँ पे कंपनीज का लॉन्ग टर्म पास्ट और पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ देखते हैं। तो यहाँ पे उनकी जो स्क्रीन ऑफ द स्टॉक्स रिटर्न बाय द स्क्रीन बफेट मोस्ट लाइकली वुड एम्फसाइज दोस ट्रेडिंग एट रीजनेबल प्राइसेस। तो यहाँ पे वो जो रीजनेबल प्राइसेस पे जो कंपनीज ट्रेड कर रही है उन पे यहाँ पे उनका फोकस रहता है। उसके बाद और क्या फोकस रहता है इनका, कि ये यूजुअली देखते हैं कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 500 करोड़ से तो ऊपर होना चाहिए, और साथ में जो एवरेज रुपी वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम रहता है मतलब जो शेयर्स खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो जो डेली बेसिस में जो वॉल्यूम चल रहा है शेयर्स खरीदी बेच, तो वो वॉल्यूम है कम से कम 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं हमारे स्क्रीनर पे, हम चालू करते हैं इनके हिसाब से स्टॉक्स को क्रिएट करना। तो ये जो दो कंडीशन मिल रही है हम उसे पुट करके देख लेते हैं, ऐसे कौन से इंडियन इंडस्ट्री पे स्टॉक्स है जो कि इस तरीके से इनके क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे screener.in पे, या मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं और यहाँ पे आपको स्क्रीन्स का एक ऑप्शन आएगा। जैसे आप स्क्रीन्स के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्रिएट न्यू स्क्रीन का, तो इस तरीके से कुछ क्वेरी विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हैं इंडियन शेयर मार्केट से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि कौन सी वो कंपनीज है जो आपकी क्वेरी को फुलफिल करती है। बहुत ही अच्छा टूल मेरे को ये लगता है, इसलिए मैं आज यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट जब हम यहाँ पे दिक्कत ये एक बस ये कि टेक्निकल एनालिसिस नहीं हो पाती है, टेक्निकल के टूल्स यहाँ पे क्वेरीज जो है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाती है। तो टेक्निकल की क्वेरीज किस में करनी है हमारे जो आगे आने वाले जो वीडियोज है उसमें मैं आपको बताऊंगा, जब मैं दूसरे कोई फिलोसोफर इन्वेस्टर्स के बारे में बात करूंगा जहाँ पे वो टेक्निकल एनालिसिस को भी यूज करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस का कैसे हम यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। उसके लिए दूसरे टूल्स होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको वो टूल्स जानना है तो आप बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज पे, सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो, और लाइक करके शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। चलिए अब हम चालू करते हैं वापस हमारे स्क्रीनिंग पे। पहला जो हमारे यहाँ पे क्वेरी आ रही है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए 500 करोड़ से ऊपर। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए ऑलरेडी ये करोड़ में रहता है इसलिए मैं यहाँ पे खाली 500 पुट कर देता हूँ, रन करता हूँ मैं ये क्वेरी को। तो टोटल मेरे पास 1049 कंपनीज है, 1049 ऐसी कंपनीज है इंडिया में जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 500 करोड़ से ऊपर। बहुत ज्यादा कंपनीज हो रही है, मेरे को थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट करना और जरूरी है इसमें। तो एक और एक कंडीशन जो अभी हमें समझ में आई थी वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, वॉल्यूम जो है वो मेरा रहना चाहिए मोर देन 10,000। रन करता हूँ मैं क्वेरी को, तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं क्योंकि जो 500 करोड़ से ऊपर वाली जो कंपनीज है वैसे ही उनका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा ही रहता है। तो यूजुअली अब अभी 1000 कुछ कंपनीज आ रही थी, अब यहाँ पे कुछ कंपनीज रिड्यूस हो गई है और यहाँ पे 965 आ गया हमारे पास। ठीक है, 965 कंपनीज है जो उनके फर्स्ट जो टू क्राइटेरियाज है उनको मीट कर रही है। तो
तो ये तो एकदम बेसिक क्राइटेरिया था। ये यूजुअली हम जो स्टार्टिंग जब करते हैं तब उसमें हम एक यूनिवर्स पता करने के लिए रखते हैं, तो ये यूनिवर्स हमने पता कर लिया। अब इसके बाद रियल एनालिसिस चालू होती है, फंडामेंटल एनालिसिस। ये 965 कंपनीज को हमें शॉर्टलिस्ट करते हुए कम करते जाना है और हमारे फाइनल डिसीजन तक पहुंचना है कि हमारी कौन सी कंपनीज है जो बहुत अच्छी है मार्केट में, इंडियन मार्केट में। चलिए अब इसको हम चालू करते हैं उनके क्राइटेरिया समझने से कि क्या उनके क्राइटेरियाज है, और उनके क्राइटेरियाज को एक एक करके हम देखेंगे और उसको फुलफिल करके देखेंगे हमारे क्वेरी विंडो पे कि वो क्या वो फुलफिल हो रहे हैं। इंडियन स्टॉक्स में भी ऐसे कोई स्टॉक्स है भी हमारे पास जो वॉरेन बफेट की फिलोसॉफी को फुलफिल करते हो। चलिए तो देखिए इसमें कुछ यहाँ पे जो 16 में से ऐसे कुछ दिखेंगे आपको ईपीएस के जो क्राइटेरिया है जो कि वॉरेन बफेट में जो मौजूद है वो बेंजामिन ग्राहम में भी मौजूद थे, क्योंकि मैं ये उन्हीं के स्टूडेंट है तो इनकी फिलोसॉफीज भी उन्हीं से ही थोड़ा कैरी फॉरवर्ड होकर आएगी। पर ये थोड़ा सा अभी आज के ज़माने के हैं तो आज के ज़माने के हिसाब से इनके जो क्राइटेरियाज है वो बदल गए हैं। और जो बेंजामिन ग्राहम सर थे वो उनका ज़माना में आपको बताया ही था, वो उनका 1970 के पहले का था, पहले का चलता था, तो इसलिए उसके हिसाब से उनके क्राइटेरिया थे। अब यहाँ पे जो इनके क्राइटेरिया है उसमें कुछ क्राइटेरिया तो ये ईपीएस का ही है, जो ईपीएस उनका जीरो मोर देन जीरो होना चाहिए कि, और ये जैसे उसमें हम 4 साल का देखते थे यहाँ पे उन्होंने 6 साल तक का देखा है, और वैसे ही जो ईपीएस है वो 5 साल का जो ग्रोथ रेट है वो 3 साल के ग्रोथ रेट से ज्यादा होना चाहिए, सॉरी 3 साल का जो ग्रोथ रेट है वो 5 साल के ग्रोथ रेट से ज्यादा होना चाहिए ईपीएस का, तो वो ये यहाँ पे देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पे उनकी जो कुछ क्वेरीज है ये जो ईपीएस वाली वो सिमिलर है बेंजामिन ग्राहम से। तो अब अलग क्या क्या है यहाँ पे हम वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे अब कुछ कुछ जो टर्म्स मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, यहाँ पे हम क्या क्या समझने वाले हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, टोटल लाइबिलिटी टू टोटल एसेट्स, और उसके बाद तो ईपीएस ही चल रहा है ये सारा, और फिर आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी और एवरेज 5 ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी और सस्टेनेबल ग्रोथ। इस तरीके से कुछ जो यहाँ पे न्यू टर्म्स है वो आज हम सीखने वाले हैं और उसके हिसाब से हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो अब पहले तो हमें एक समझ में आ रहा है ईपीएस से रिलेटेड कुछ जो भी हमारी क्राइटेरिया है उसको मीट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ कि ईपीएस जो है वो मोर देन जीरो होना चाहिए, एंड ईपीएस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। कुछ रिड्यूस हो गया, 756 में आ गए हैं, और ईपीएस ये जो ईपीएस था हमारा पहला वाला उसके साथ हम यहाँ पे एक और एक ये क्या है ट्रेलिंग 4 क्वार्टर्स का था, साथ में अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ईपीएस लास्ट ईयर का, ये भी जीरो से ज्यादा होना चाहिए, तो थोड़ा और कम हो गया, 732 है यहाँ पे, और यहाँ पे एक है प्रिसीडिंग ईयर का ईपीएस और प्रिसीडिंग ईयर, ये भी हमारा मोर देन जीरो होना चाहिए, ये भी पुट कर दिया। तो टोटल मेरे पास अभी 689 स्टॉक्स आ गए हैं, और उसके बाद की जो क्वेरी है ईपीएस और उसके पिछले सालों की, ये आपको क्या है मैनुअली देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो screener.in है इसमें ये सारे टूल्स अवेलेबल नहीं मिल रहे हैं कि हम और पिछले सालों का ईपीएस देख सके, और फिर उसके बाद ये वाला भी टूल अवेलेबल नहीं है कि हम ईपीएस का ग्रोथ रेट क्या है 5 सालों का उसकी रैंकिंग कर सके। वो हम मैं बताऊंगा कैसे करना है, स्क्रीनर में ही कर सकते हैं बट डायरेक्टली क्वेरी नहीं कर पा रहे हम इसके लिए। उसके बाद ईपीएस 3 ईयर ग्रोथ रेट ज्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल हो सकता है 5 ईयर ग्रोथ रेट के, ईपीएस का जो ग्रोथ रेट है वो इस तरीके से मैच करना है हमें, तो वो भी यहाँ पे इस तरीके का कोई क्वेरी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो मैं समझेंगे बाद में कि इसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेरी जो हमारे पास अवेलेबल है इस विंडो पे वो है यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी हो सकता है यहाँ पे, और पर इसका मतलब क्या है पहले हम वो समझ लेंगे उसके बाद हम इसको स्क्रीन करके देखेंगे, और यहाँ पे जो हमारे जो 3 टर्म्स थे उसका मतलब समझेंगे। तो ये सारे चीजों को समझने के लिए अब हम चलते हैं हमारी एक्सेल शीट। देखिए अब आपको मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक देने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट बनाई है। इस एक्सेल शीट पे यहाँ पे हमने बैलेंस शीट लिया है, बैलेंस शीट ऑफ रजत लिमिटेड, मैंने अपनी एक कंपनी खोल ली है। ठीक है इस कंपनी पे यहाँ पे मैं जो एसेट साइड यहाँ पे दिया हुआ है ये लाइबिलिटी साइड, फिर यहाँ पे एक इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है तो ये रही हमारी बैलेंस शीट और ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है अब इसमें समझते हैं कि किस तरीके से रेशियोज को कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी आखिर होता क्या है। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, अगर मैं इसके फॉर्मूले में जाऊं तो यहाँ पे क्या किया गया है कि नेट जो प्रॉफिट आता है, अब नेट प्रॉफिट कैसे आता है, देखिए सबसे पहले तो सेल्स होता है, सेल्स में जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर अगर हम माइनस कर देते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आने के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अगर हम माइनस कर देते हैं तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन निकल
निकल के आता है हमारे पास। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा EBITDA, उसमें से हम डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे EBIT बचता है। डी और ए को हटा दिए, EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके बाद इंटरेस्ट को हटा दिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो खाली टैक्स बचा तो निकलना बचा है तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स को हटा दिए तो टोटल हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, ये नेट प्रॉफिट निकल के आता है। और फिर इसी में से डिविडेंड बांटा जाता है और डिविडेंड बांटने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बच जाता है वो हम हमारे रिटेन अर्निंग कहलाती है जिसको हम आगे यूज करते हैं हमारे बिजनेस में। ठीक है, तो ये आप समझ लिए कि इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से दिखता है। वैसे यहाँ पे बैलेंस शीट देख लीजिए, बैलेंस शीट में राइट साइड में एसेट साइड में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी अदर फिक्स्ड मिला के ये टोटल फिक्स्ड एसेट्स बनता है। फिर यहाँ पे कुछ करंट एसेट्स है, डेटर्स इन्वेंट्रीज एडवांसेस पेड, तो ये सारे मिलकर यहाँ पे करंट एसेट्स बनते हैं। और फिर लाइबिलिटी साइड इसको मिला देंगे टोटल एसेट्स हो गया। वैसे यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और जनरल रिजर्व ये मिलकर यहाँ पे टोटल इक्विटी बनती है। फिर डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स यहाँ पे लोन लेने का एक तरीका होता है जो कि कंपनी रेज कर सकती है अलग से। बॉन्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया था बॉन्ड्स, तो उसी तरीके से यहाँ पे कंपनीज के टर्म्स में डिबेंचर्स यूज किया जाता है टर्म। उसके बाद टर्म लोन, जैसे बैंक से जो लोन लेते हैं वो यहाँ पे टर्म लोन चलेगा। अब तो ये बन गया टोटल डेट। और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में क्या, जैसे क्रेडिटर्स आ जाएंगे तो उस तरीके के जो जिनको हमें पैसा पटाना है वापस देना है तो वो यहाँ पे आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज। ये बन गया हमारा टोटल लाइबिलिटीज दोनों टैली। ये हो गया हमने, मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया कि बैलेंस शीट कैसी दिखती है, इनकम स्टेटमेंट कैसा दिखता है। अब हम चलते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में ये जो नेट प्रॉफिट आता है, मतलब इसमें सारा कुछ माइनस कर चुके हैं हम, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स, और जो फाइनल उसके बाद नेट प्रॉफिट जो हमारा निकल के आ रहा है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल इक्विटी से। टोटल इक्विटी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे शेयर कैपिटल भी है, शेयर प्रीमियम भी है, जनरल रिजर्व भी है, ये सारा कुछ जुड़ा हुआ है। इसको हम यहाँ पे उसका एक रेशियो निकाल रहे हैं कि शेयर जो टोटल इक्विटी है इक्विटी के हिसाब से कितना रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ पे 7,72,00,000 डिवाइडेड बाय हमने यहाँ पे 90,00,000 किया तो यहाँ पे 80% का यहाँ पे हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है। बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है ये कंपनी हमारी रजत लिमिटेड, जो कि 80% रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी हमने समझ लिया कि क्या होती है। अब इन्होंने क्या बोला कि क्या होना चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी, वॉरेन बफेट ने यहाँ पे बताया है। देखिए वॉरेन बफेट ने यहाँ पे बताया है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 12% से ज्यादा होना चाहिए। तो चलिए वापिस हम चलते हैं स्क्रीनर पे और लगा के देखते हैं इस क्वेरी को। रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी ग्रेटर देन 12, ऐसे कौन है जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 12 से ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास शॉर्टलिस्ट होके आ गए हैं 416 कंपनी, 416 कंपनीज जिनका यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 12 से ज्यादा है और ये सारी कंडीशंस भी फुलफिल कर रहा है और साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी भी 12 से ज्यादा है। चलिए ये भी समझ में आ गया हमें ये वाली कंडीशन रिटर्न ऑन इक्विटी की। अब यहाँ पे दिया गया कि रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर का जो एवरेज है वो भी 12% से ज्यादा होना चाहिए, तो वो भी हम देखते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल है क्या। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर्स अवेलेबल है, ये क्वेरी भी हमारे पास। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर्स ये भी हमारी 12% से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, देखिए रन करने से पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कंपनीज थी 416, अब इस क्वेरी को रन करने के बाद कितनी हो जाती है। अब आ गई हमारे पास 356 कंपनीज आ गई है जिसमें कि ये सारी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो रही है। चलिए अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक टर्म्स आप काफी सुनते होंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे भी देखूं, हमारे पे स्क्रीनर में भी अगर मैं देखूं एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देखिए ये रहा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये क्या चीज है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है तो हम उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। और इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वॉरेन बफेट सर ने दी है कि किस तरीके से इन दोनों को एनालाइज करना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो भी अब आज हम अब देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं यहाँ पे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देख लेते हैं हम यहाँ पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट लिया गया है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट के पहले का अर्निंग यहाँ पे EBIT यहाँ पे लिया जा रहा है, जो कि 1,20,00,000 यहाँ पे ले लिया गया EBIT जो कि रहेगा अपर साइड पे। फिर डिनोमिनेटर साइड में यहाँ पे रहने वाला है, वापिस से देखते हैं यहाँ पे क्या रहने वाला है, टोटल इक्विटी प्लस टोटल डेट।
मतलब ये जो ROCE है वो ये बताता है कि अगर सारा कुछ कैपिटल मिला दे, जितना भी पैसा कंपनी में लगाया गया है उसको मिला दे, उस पैसों से कितना इनकम जनरेट कर रही है कंपनी, वो ये रेशियो बताता है। और वैसे ही ROE क्या बताता है कि जितना कैपिटल इक्विटी जो शेयर होल्डर्स ने लगाया है और जो उनके हिसाब से जो प्रॉफिट जनरेट होके आया था वो मिला के, मतलब जैसे कि जिसमें कि जो लोन पोर्शन है उसको हटा दिया जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी में, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में लोन पोर्शन को भी ऐड कर दिया जाता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारी अर्निंग निकल के आती है और ये रेशियो निकल के आता है 35%। मतलब इसके हिसाब से हम क्या समझ रहे हैं कि इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, 80% रिटर्न आ रहा है, और यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो यहाँ पे कम है, 35% का कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इन दोनों के रेशियो को हम कौन सा अच्छा है, किससे जज करें कंपनी को, ROCE देखें कि ROE देखें? तो वॉरेन बफेट सर ने बोला कि कोई भी चीज ज्यादा है तो वो अच्छी बात नहीं है, अगर ROE ज्यादा है ROCE कम है तो वो भी कंपनी के लिए खराब है, और ROCE कम है और ROE ज्यादा है तो वो भी कंपनी के लिए खराब है। तो उन्होंने एक रास्ता दिया कि ये दोनों जिस भी कंपनी का जो आपस में मिलता हो, आसपास हो, मतलब 2-4% 10% तक का गैप चलेगा उसके आसपास हो तो वो कंपनी बेटर परफॉर्मेंस दे रही है। क्योंकि क्या होता है ROE ज्यादा है, मतलब इस ये जो अगर कोई कोई 100 रुपए लगाता है तो 80 रुपए ये कंपनी कमा के दे रही है। तो ऐसे चीज में वो बोलते हैं कि ऐसी कंपनीज को तो कुछ डिविडेंड ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, इनको तो बस पैसे अपने ही पैसे को सर्कुलेट करते जाना चाहिए, लगाते जाना चाहिए और अपनी इनकम बढ़ाते जाना चाहिए जिससे कि वो कंपनीज बहुत ज्यादा ग्रोथ करें। ये फिलोसॉफी इन्फोसिस ने फॉलो करी थी और इन्फोसिस का ग्रोथ हुआ था, और आज की डेट में जो इनकी वॉरेन बफेट की खुद की कंपनी है वो यही फिलोसॉफी फॉलो करती है, जो कि है कि वो डिविडेंड बांटने पे यकीन नहीं करती, उनका ROE बहुत ज्यादा है इसलिए वो अपने ही पैसे को फिर से री इन्वेस्ट करती है अपनी कंपनी पे और उनकी कंपनी ग्रोथ करते चली जा रही है। इसीलिए हम देखेंगे कि उनका जो नेटवर्थ है वो इतना ज्यादा ग्रोथ किस तरीके से हुआ है, क्योंकि वो अपने ही प्रॉफिट्स को यूज करते हैं अपने ही इन्वेस्टमेंट्स के लिए। चलिए अब हम चलते हैं, ये ROE ROCE समझ में आ गया कि हमारा किस तरीके से होना चाहिए। तो अब इससे मेरे को एक जानकारी मिली कि ROCE जो है वो भी 12% से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो आसपास होना चाहिए बोल रहे हैं, तो 12 से कम का कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेरी और ऐड कर देता हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो भी मेरा 12 से ज्यादा होना चाहिए, रन दिस क्वेरी। ठीक है, तो अब हमारे पास 322 स्टॉक्स आ गए हैं। चलिए अब कुछ नए रेशियोज पे हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ नए नए टर्मिनोलॉजीज यूज होने वाले हैं। देखिए, एक तो है टोटल लाइबिलिटीज टोटल एसेट्स, और सस्टेनेबल ग्रोथ, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, और डिविडेंड पेआउट रेशियो। अब ये सारी चीजें क्या है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो इजी से चालू करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका मार्जिन ये कैलकुलेट कर रहा है टोटल सेल्स से। तो देखिए ये किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो फिगर है उसको डिवाइड कर दिया गया है नेट सेल्स से, तो ये हमारा परसेंटेज निकल के आ गया 47%। 47% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो इस चीज में क्या बोलना है वॉरेन बफेट सर का, वो ये बोलते हैं कि ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए इंडस्ट्री मीडियन से। अब ये इंडस्ट्री मीडियन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक जो कंपनी है उसकी एक पर्टिकुलर एक सेक्टर है इंडस्ट्री, जैसे फाइनेंस इंडस्ट्री है, वैसे होलसेल रिटेलर इंडस्ट्री है, होलसेल इंडस्ट्री है, ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज है, और सीमेंट इंडस्ट्री है, तो अलग अलग क्राइटेरिया सेक्टर्स है। तो हर एक की सेक्टर में क्या होता है कि उनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन निकालने का तरीका होता है वो अलग होता है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन उन्हीं के इंडस्ट्री से चेक करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एक ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे कोई क्वेरी दे दूंगा कि भाई इतना ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 10% से ज्यादा होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि कोई इंडस्ट्री में 1-2% भी ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत होता है, किसी किसी इंडस्ट्री में 20-25% चल सकता है, किसी के में 10% चलेगा, 15% चलेगा, सब इंडस्ट्री में अलग अलग चलता है। तो हमें ये क्या करना होगा, खुद की उन्हीं की ही इंडस्ट्री से कंपेयर करना पड़ेगा। तो उन्हीं की इंडस्ट्री से कंपेयर करना है तो वैसा कोई यहाँ पे क्वेरी फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम उन्हीं की इंडस्ट्री से कंपेयर कर पाए, उसको हमें मैनुअली यहाँ पे हमें एक एक कंपनी को सर्च करके देखना पड़ेगा। और वैसे आप टेंशन मत लीजिए, ये जो जितना भी जो मेहनत वाला काम है, जितना भी एनालिसिस है, ये मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, और ये पूरी एनालिसिस करने के बाद मैंने ये कुछ स्टॉक्स फाइनलाइज किए हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जो मैं अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट थोड़ी देर में, कि हम जहाँ पे जो नेक्स्ट जो स्टॉक्स देखेंगे ये सारे स्टॉक्स वो सारे क्राइटेरिया को ऑलरेडी फुलफिल कर रहे हैं, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और इसमें और भी कुछ स्टॉक्स हैं जो ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, उनकी सारी लिस्ट मैं जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वही proKhata.com पे आपको वो अवेलेबल हो जाएंगी पूरी लिस्ट जो जो इनकी क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रही है। अभी यहाँ पे फोकस करिए उनके कंसेप्ट को समझने की।
तो पहला हमने देख लिया ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग मार्जिन। नेक्स्ट अब चलते हैं हम नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन यहां पे किस तरीके से निकलेगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। देख लीजिए नेट प्रॉफिट यहां पे डिवाइड किया गया है टोटल सेल्स, टोटल रेवेन्यू से, तो ये निकल गया 19%। तो ये भी क्या बोल रहे हैं, वो प्रॉफिट मार्जिन ग्रेटर देन और इक्वल टू इंडस्ट्री मीडियन, वो इंडस्ट्री के हिसाब से रहना चाहिए, इंडस्ट्री के हिसाब से ज्यादा ही रहना चाहिए, जो मीडियन एवरेज निकल के आ रहा है एवरेज से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो ये उनकी फिलोसॉफी है और ये वो फुलफिल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स का जो रेशियो है वो इंडस्ट्री मीडियन से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालेंगे, टोटल लाइबिलिटीज, और ये आप इसमें मत ध्यान दीजिए टोटल लाइबिलिटीज टोटल एसेट्स, तो ये तो अगर आप करेंगे तो वो तो फिर सेम ही रहेगा, टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटी। यहाँ पे उनका टोटल लाइबिलिटीज के बोलने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज का मतलब है टोटल डेट जो है और जो करेंट लाइबिलिटीज, मतलब यहाँ पे हमने जो ये टोटल इक्विटी है उसको हटा देंगे। तो टोटल इक्विटी हटाने के बाद यहाँ पे निकल के आएगा जो कि टोटल डेट प्लस करेंट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो ये एक रेशियो निकल के आएगा जो कि आया यहाँ पे 78%। तो इस 78 से जो ये जो निकल के आ रहा है, जो अगर इंडस्ट्री मीडियन जो है रजत लिमिटेड, मान लो अगर कोई जो इंडस्ट्री पे फॉल करती है उनका जो रेशियो आ रहा है उससे ये रेशियो कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया समझ में आ गया उनका। उसके बाद तो यहाँ पे ये सारे ईपीएस वाले चल रहे हैं, ईपीएस का ग्रोथ रेट जो है वो 5 ईयर की रैंकिंग से मतलब जो उनकी रैंकिंग है 75%, जो उसके इंडस्ट्री में स्टॉक्स आ रहे हैं उनके जो टॉप 25 बोल सकते हैं हम, तो उस पे होना चाहिए। उसके बाद ईपीएस ग्रोथ रेट भी हमने देख लिया, 3 ईयर का 5 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, ट्रेलिंग 4 क्वार्टर्स का ईपीएस 0 से ज्यादा होना चाहिए, लास्ट रिपोर्टेड ईयर का जो फिस्कल ईयर का ईपीएस है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए, और उसके पहले के जो 6 सालों के लाइफ से जो ईपीएस है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए, और रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से ज्यादा, आरओई एवरेज 5 सालों का 12% से ज्यादा, और लास्ट में अब ये आता है सस्टेनेबल ग्रोथ। अब ये सस्टेनेबल ग्रोथ क्या चीज है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि वॉरेन बफेट सर ये चाहते थे कि उनकी जो भी कंपनीज में वो इन्वेस्ट करे वो एक ग्रोथ कंपनीज हो। ग्रोथ कंपनीज का मतलब ये है कि वो ज्यादा डिविडेंड ना बांट के खुद ही जो इनकम जो कमा रहे हैं उसको वो अपने ही कंपनीज में लगा के जनरेट करे और इनकम, तो वैसी कंपनीज वो चाहते हैं। तो सस्टेनेबल ग्रोथ है उनका क्राइटेरिया कि 15% से ज्यादा होना चाहिए। अब ये सस्टेनेबल ग्रोथ होता क्या है, जो लास्ट क्लास में भी एक ग्रोथ यूज किया गया जा रहा था बेंजामिन सर के हिसाब से, जिसको हमने याहू फाइनेंस से पिक किया था, यहाँ पे वो सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। याहू फाइनेंस वाला जो एक रियलिस्टिक लेवल पे देता था एक फिगर, यहाँ पे एक सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होता है वो आज हम देखने वाले हैं एक्सेल की मदद से। चलिए अब देखिए सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होता है। अगर जैसे मान लो कंपनी है, वो कंपनी ने 72 लाख का प्रॉफिट कमाया, अब 72 लाख का प्रॉफिट कमाया, अब यही प्रॉफिट तो वो अपनी कंपनी में ग्रोथ करने के लिए इस्तेमाल करेगी। अब अगर ये कंपनी डिविडेंड बांट देती है, अपने सारे शेयर होल्डर को पैसा बांट देती है, तो जैसे इसने बाई 22 लाख रुपीज बांट, तो क्या ये 22 लाख ग्रोथ के लिए यूज होने वाले हैं, नहीं यूज होने वाले। तो अब हमारे पास बचे हैं 50 लाख रुपए, तो 50 लाख रुपए ही आगे चल के हमारी कंपनी में इन्वेस्ट होंगे वापिस से और हमारी ग्रोथ में मदद करने वाले हैं। तो इसीलिए ये जो रेशियो है वो इसी जो ये 50 लाख जो निकल के आता है इसी का रेशियो प्रोवाइड करता है सस्टेनेबल ग्रोथ का। तो ये कैसे निकलेगा, ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड बचा, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड, उसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं टोटल इक्विटीज, जो जितना पैसा इक्विटी ने इक्विटी वालों ने लगा रखा है उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा एक ग्रोथ का रेट निकल के आता है 56%। देखिए एक तो ये तरीका होता है इसको निकालने का कि हमें अगर ये फिगर अवेलेबल है तो आफ्टर डिविडेंड का जो प्रॉफिट है वो डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, और इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या है वो हम समझते हैं। दूसरा तरीका ये है जिसमें कि हम रिटर्न ऑन इक्विटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो से। एक्चुअल में कर ये फॉर्मूला भी पूरा का पूरा वही कर रहा है, थोड़ा सा मैथमेटिकल इधर उधर हो गया है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि भाई ये क्या कर दिए, रिटर्न ऑन इक्विटी फिर डिविडेंड पे आउट रेशियो सबको मल्टीप्लाई करके ये कैसे निकल के आ गया। तो एक्चुअल हो वही रहा है, देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या था, ये 72 लाख डिवाइडेड बाय 90 लाख करते थे, तो वो चीज तो यहाँ पे कंप्यूटेशन में आई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे नया क्या आ गया, नया यहाँ पे आया है कि डिविडेंड पे आउट जो ये जो पोर्शन है जितना हम बांट दे रहे हैं उतने पोर्शन को हम यहाँ पे हटा देते हैं, तो हमारा जो जितना की हमारा रिटेंशन रेशियो है वो निकल जाता है, और रिटेंशन रेशियो ये बन जाता है, ये मिला के बन जाता है रिटेंशन रेशियो, मतलब जितना प्रॉफिट हमने कमाए उसमें से जो डिविडेंड बांट दिए तो जो प्रॉफिट बच गया वो हो गया रिटेंशन। अब ये जो रिटेंशन है उसको हम रिटर्न ऑन इक्विटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा ग्रोथ, इसी को हम बोलेंगे सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इसको हम किस तरीके से निकालें हमारे स्क्रीनर पे,
तो ये बहुत ही अच्छा टूल मेरे को लगता है कि यहाँ पे हम खुद का रेशियो भी बना सकते हैं स्क्रीनर में, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो अब चलते हैं कि हम इसमें एक नया रेशियो बनाने चलते हैं जो कि रहेगा सस्टेनेबल ग्रोथ का। तो यहाँ पे मैं शो फॉर्मूलाज में जाता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे नीचे जब जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा क्रिएट अ न्यू रेशियो। यहाँ पे मैंने कई सारे रेशियो खुद के बना रखे हैं खुद के यूज के लिए। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एसजी सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बनाने का, रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला आप यहाँ पे बना सकते हैं जिससे कि सस्टेनेबल ग्रोथ निकल के आ जाएगी। तो ये ऑलरेडी मेरे पास फॉर्मूला बना हुआ है तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ और हम चलते हैं वापस से हमारी स्क्रीन पे। चलिए अब यहाँ पे स्क्रीन पे मैं वापस आ गया हूँ। सस्टेनेबल ग्रोथ मेरे को फॉर्मूला लगाना है एंड एस जी जो सस्टेनेबल ग्रोथ है वो मेरा ज्यादा होना चाहिए 15 से ज्यादा होना चाहिए, रन दिस क्वेरी। तो देखिए अब आपकी जो लिस्ट है कहाँ 1000 से अब वो शॉर्ट लिस्ट होकर आ गई है 152। ये 152 ऐसी कंपनीज है जो कि यहाँ पे वॉरेन बफेट के हिसाब से टॉप की कंपनीज है। प्रॉफिट प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है, ज़्यादा कोई लिक्विडिटी भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है। और अब यहाँ पे हाँ अभी लिक्विडिटी के लिए यहाँ पे एक रेशो बचा है कैलकुलेट करना, जो डेट जो मैंने आपको बताया था टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स जो कि इंडस्ट्री मीडियम से कम होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ भी अगर इसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो OPM है NPM है वो सारी चीज़ को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो वो एकदम परफेक्ट एक फॉर्मूला बन जाएगा, रेसिपी बन जाएगी कि अच्छा स्टॉक कैसे बनाए। ठीक है, अब बनाना तो यहाँ पे पहले से बने हुए हैं, आप उसको कैसे पहचानें वो यहाँ पे आप सीख पाएंगे। तो देखिए अब जैसे मान लो आप कोई भी एक इंडस्ट्री ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लेते हैं भंसाली इंजीनियरिंग, मान लो अगर आपने ये पिक किया भंसाली इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि कुछ रेशियोज जो है उनके पीयर से कंपेयर, यहाँ पे पीयर कंपैरिजन एक ऑप्शन मिलता है हमें पीयर कंपैरिजन, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ कॉलम्स है यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कॉलम्स में जाके यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं OPM सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे उसी तरीके से नेट प्रॉफिट के लिए यहाँ पे आप NPM सर्च कर सकते हैं, NPM नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर, ये भी मतलब जो साल अभी निकला है उसी का ही है तो वही हमें यहाँ पे यूज करना है तो NPM हो गया उस तरीके से। फिर आप यहाँ पे SG तो हमने निकाल ही रखा है और साथ में आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं टोटल लाइबिलिटी बाय टोटल एसेट्स, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक रेशो बना रखा है TL/TA टोटल लाइबिलिटी बाय TA। तो इसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्रिएट रेशियो में जाता हूँ मैं, यहाँ पे TL/TA मैंने यहाँ पे एक बेसिकली अभी सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट कर लिया है। तो डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट यहाँ पे मैंने एक नया एक फॉर्मूला बना लिया है रेशियो जिसकी मदद से मैं यहाँ पे कंप्यूटेशन कर रहा हूँ। तो कंप्यूटेशन करने के लिए मैं यहाँ पे उसको भी इनके कॉलम्स में ऐड कर देता हूँ। कॉलम्स में मैंने क्या क्या ऐड कर दिया, कैपिटलाइजेशन TL/TA रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड EPS उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों का OPM NPM SG डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है फिर भी अभी मैंने एक बार समझने के लिए यहाँ पे ले लिया है डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, तो जब ये सारा कुछ हो जाए तो आप इसको सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे पीयर में सारे ये ऑप्शंस दिखने चालू हो। तो अब यहाँ पे आप क्या कंपेयर कर पाएंगे, जैसे भंसाली इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है, मतलब सेक्टर कौन सा है इनका, भंसाली इंजीनियरिंग का पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल्स में ये बहुत सारी कंपनीज है, सुप्रीम पेट्रोकेमिकल, भंसाली, इनॉस, उसके बाद सविता, मनेल, पनामा, DCW ये सारी इसी सेक्टर पे आती है, तो इसी सेक्टर की इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखा जा सकता है, जैसे देखिए इसका भंसाली इंजीनियरिंग का 34 है और ऑन एन एवरेज हम देखें तो सबसे हाइएस्ट है इसका, तो ये जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है, जो हमने कंडीशन देखी थी उसमें से जो पहली कंडीशन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होना चाहिए इंडस्ट्री मीडियम की। तो अब यहाँ पे दिख ही रहे हैं वो साफ साफ की 34 है और बाकी सबका यहाँ पे 21, 15, 11, 23, 10, 11, तो देख के ही समझ में आ गया कि भाई हाँ ये तो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया था नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये सारी कंडीशन को इंडस्ट्री मीडियम को फुलफिल करना चाहिए। देखिए प्रॉफिट मार्जिन भी फुलफिल हो रहा है क्या, 25 है यहाँ पे, देखिए ऑन एन एवरेज क्या चल रहा है 14, 1, 4, 6, 2 सबसे ज्यादा है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। और उसके बाद और क्या बोला गया है, टोटल लाइबिलिटीज टोटल एसेट्स जो रेशियो है वो इंडस्ट्री मीडियम से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं TL/TA में कि वो यहाँ पे कम है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है और बाकी सबका थोड़ा ज्यादा ही है तो वो भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इस तरीके से हम इसको शॉर्टलिस्ट करते जाएंगे। फिर वैसे EPS है, अभी EPS के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसके पास्ट EPS देखना है तो अब यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा इसके, ये रहा EPS का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये रहे EPS यहाँ पे हर साल के EPS यहाँ पे दिए हुए हैं।
तो इसकी मदद से हम यहाँ पे पहचान सकते हैं कि ईपीएस जीरो से ज्यादा था हर साल का, और जो ग्रोथ है, ग्रोथ के लिए क्या है, हमें एवरेज करना पड़ेगा 3 साल का डिवाइडेड बाय 5 साल का, तो वो जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो ये भी हम यहाँ पे इस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही है, सारी खाली स्क्रीनर डॉट इन के टूल्स, ये यहाँ तक की सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई, और उसके नीचे की भी जितनी भी कंडीशंस थी वो हमने देखा यहाँ पे फुलफिल हो ही चुकी है हमारी, जो कि स्क्रीनर पे ही हमें सारा कुछ परफॉर्म होकर के मिल गया। तो अब इसके बाद का जो काम है वो मैंने आपके लिए आसान कर रखा है, पूरी जो लिस्ट है वो ऑलरेडी मैंने तैयार कर रखी है जो कि ये सारे कंडीशन को फुलफिल करेगी। तो उसमें से कुछ स्टॉक्स मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। स्मॉल कैप से मैंने एक लिया है अमृतंजन हेल्थ केयर। अमृतंजन जो हेल्थ केयर है ये बहुत ही अच्छी कंपनीज यहाँ पे दिख रही है इसके हिसाब से, वॉरेन बफेट के हिसाब से। मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है इसका, 1839 करोड़ है, और इसका जो भी आपके रेशियोज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको लास्ट क्लास में भी आपको मैंने सिखाया था कि ये सारे रेशियोज किस तरीके से रहते हैं, आप किस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको ईपीएस दिया हुआ है, यहाँ पे क्वार्टर ईपीएस दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ रेशियोज दिए हुए हैं, बुक वैल्यू है, उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी है, 5 साल का पी रेशियो का पी रेंज है, अभी क्या पी रेंज चल रहा है वो दिया हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी अवेलेबल। फिर यहाँ पे कुछ चार्ट्स है, उसके हिसाब से आप भी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं तो आप यहाँ पे देख के पहचान सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में, या फिर आगे के लेक्चर्स में आप सीखेंगे जब कोई दूसरे इन्वेस्टर्स आएंगे जो टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। अभी यहाँ पे जो वॉरेन बफेट है वो तो अभी यहाँ पे कुछ बात नहीं कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की, तो अभी हम यहाँ पे उस पर फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ फंडामेंटल्स पे ही ध्यान देंगे। तो ये फंडामेंटल्स हमने कवर कर दिया, और यहाँ पे उस कंपनी के सारे फंडामेंटल्स दिए हुए हैं, देखिए जो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रही है। सस्टेनेबल ग्रोथ ज़्यादा है, आर ओ ई जो यहाँ पे 5 सालों का वो भी ज़्यादा है, ईपीएस जो है वो हर सालों का 0 से ज़्यादा है, जो ग्रोथ जो 3 साल का है 5 साल से वो ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें जो रेशो है मीडियन इंडस्ट्री मीडियन से कंपेयर करें, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन और टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट का रेशो, वो भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। अब बस इस शेयर को आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं, और आपको वेट करना है सही टाइम का कि जहाँ पे आपका ये जो प्राइसिंग है वो टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिसाब से मीट करे। चलिए नेक्स्ट जो स्टॉक है यहाँ पे हम देखते हैं किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज का। तो ये यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है 3,343 करोड़ के आसपास, और यहाँ पे इसका रेशियोज यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इनकी सारी क्राइटेरियाज को आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, ये सारी यहाँ पे क्राइटेरियाज यहाँ पे इसकी फुलफिल हो रही है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और ये फुलफिल हो रही है कि नहीं वो पता कर सकते हैं। चलिए अगला है यहाँ पे किर्लोस्कर फेरोस के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो देखते हैं मिड कैप में लक्स इंडस्ट्रीज। लक्स इंडस्ट्रीज यहाँ पे 5,000 करोड़ का शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ है यहाँ पे अवेलेबल, और इसके ये सारे रेशियोज है जो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, और जो कि मैंने अभी ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो कि मैं आपको फाइनल एक आउटपुट दे रहा हूँ यहाँ पे, ये सारे कंडीशंस जो है उसको वो फुलफिल कर रहे हैं, 16/16 पास सारे कंडीशंस। ठीक है, ये हो गया लक्स इंडस्ट्रीज, मैंने आपको बताया जो कि था मिड कैप का। अब एक चलता हूँ मैं लार्ज कैप का। लार्ज कैप में मैं आपको बता रहा हूँ सुप्रीम इंडस्ट्रीज, बहुत ही अच्छा स्टॉक है अभी आज की डेट पे। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये रिकमेंडेशन नहीं है ना, रिकमेंडेशंस नहीं है ये सारे स्टॉक्स कि अभी आप जाके बस तुरंत ही अब ये सब स्टॉक्स खरीद लीजिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, ये तो आप अच्छी कंपनीज को पहचान लिया आपने, अब आप सही टाइम का वेट करिए कि कब ये जो शेयर्स हैं वो कम होंगे, इनकी प्राइसिंग कम होगी, और उस समय आप इसको खरीदेंगे तब आपको ये अच्छा प्रॉफिट कमा के दे पाए। हो सकता है ये कंपनीज इतनी अच्छी है और सबको पता हो ये कंपनीज अच्छी है तो ऑलरेडी इसका वैल्यूएशन इतना हाई हो रखा होगा कि आप इसको खरीदेंगे तो बहुत ही मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइस पे आप इसको खरीदेंगे, तो वो कोई मतलब नहीं होगा, इसको लो प्राइस पे खरीद के आप हाई प्राइस में बेचेंगे तब भी आपको फायदा होने वाला है। तो ये सारी चीजों के बाद अब यहाँ पे हम इसको इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, और अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम फोकस करेंगे नेक्स्ट जो इन्वेस्टर रहेगा, हो सकता है वो पीटर लिंच हो, या फिर हो सकता है वो जेम्स हो, और ऐसे बहुत सारे मार्क विनी और उससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।